कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के आलू, उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। 1 कप के करीब मेरे पास चिकन है बॉइल्ड एंड श्रेडेड, वो मैं इसमें डालूंगी। 1 हरी मिर्च है कटी, बारीक कटी हुई, वो मैं डालूंगी इसमें। 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया लिया है कटा हुआ, वो मैं इसमें डालूंगी। 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून नमक। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। इसमें डालकर मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हम इसके कबाब बनाएंगे। मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसके डिसेंट साइज के कबाब बना लूंगी। इसे मिक्सचर में हमारे 9 कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैं एक कबाब लूँगी, उसको अंडे में डिप करके, हमने पहले से ही ऑयल गर्म होने रखा था, उसमें हम शैलो फ्राई करेंगे। देखिए मैंने सब कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, जब एक साइड से डन हो जाएंगे फिर उसको हम फ्लिप कर लेंगे। तो तैयार हैं हमारे चिकन और आलू के कबाब, बहुत मज़े के हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी।